रामनवमी के दिन से शुरू हुई हिंसा अब तक खत्म नहीं हुई है। मंगलवार को कई इलाकों में चल रही हिंसा को थामने के लिए कई क्षेत्रों में रह चुके कई पुराने और वरिष्ठ पदाधिकारियों को इस्तेमाल किया जा सकता है। बुधवार को तनाव बढ़ने के बाद आसनसोल में उन पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जा रहा है जिनके नाम इस तरह के हालातों में व्यवस्था को सही और सुनियोजित रूप से संभालने का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। बीते दिनों सोमवार को रेल पर एक शव बरामद हुआ था जिसकी पहचान आज सुबह गुरुवार तक नहीं हो पाई। अब इन 6 प्रमुख इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बिल्कुल ठप हो चुकी हैं। इसी बीच करीब 30 लोगों की गिरफ्तारों की खबरें भी आ रही हैं। डीएम को हिंसा को रोकने और फैलती हुई अफवाहों पर कड़े कदम उठाकर लगाम लगाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। ये 6 इलाके हैं जिसमें इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह बंद कर दी गई हैं। फिलहाल तो स्थिति नियंत्रण में आ रही है। पुलिस कोलकाता और कई अन्य जिलों के क्षेत्रों में भी मोर्चा संभाल रही है। अब देखना ये होगा कि बंगाल के हालात पूरी तरह कब ठीक हो पाते हैं और वहाँ के लोग राहत की सांस कब ले पाते हैं। SCN न्यूज़ की रिपोर्ट।